एवरीवन, माय नेम इज सोनिया सिंह और आज एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बनाएंगे ये सुंदर से गणपति। ये आप मेरी एक वीडियो में पहले भी देख चुके हैं, तब मैंने आपको ये तैयार पीस दिखाया था। ये ही मैं आज आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। और ये देखिए इसके ऊपर कितना बारीक बारीक काम हुआ है। तो आज आप ये सब कुछ देखने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज 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 शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह की कटिंग करा ली है और इसके ऊपर जो मैंने डिजाइन ड्रॉ किया है इसको डार्क कर लेंगे। इसके ऊपर हम क्ले का वर्क करेंगे। अब तो सबसे पहले इसको डार्क कर लेते हैं। इसको ड्रॉ करने के बाद हम ये मार्बल डस्ट पाउडर लेंगे। ये बहुत ही बारीक होता है। ये देखिए, ये आपको अमेजोन पे भी आसानी से मिल जाएगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। ये लेंगे और इसको जो हम डो बनाने वाले हैं उसके लिए हम सिर्फ एमआर फेविकोल का यूज करेंगे। इस क्ले के अंदर फेविकोल को मिक्स करना है और अपना डो तैयार करना है। तो ये जो हम डो तैयार करेंगे ये इस तरह का होगा, जिस तरह के आटे की हम रोटी तैयार करते हैं। ये देखिए, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। हल्का सा इसमें रिफाइंड का हाथ लगा लेना है बाद में, और जितना ज्यादा मिक्स करेंगे इसको उतना ही अच्छा क्ले तैयार होगा और हमारा फटेगा भी नहीं। तो अब हम इसके ऊपर क्ले का वर्क करेंगे, और बेस में हम हमेशा फेविकोल को यूज करेंगे। अगर हम वुड पे कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें बेस में हमेशा फेविकोल यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
अब हमारा ये भी सूखकर रेडी है। इसके ऊपर सैंड पेपर से अगर कहीं से कुछ दिक्कत होती है रबिंग कर लेंगे और इसको स्मूथ निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर ये कलर्स यूज करेंगे। तो अब कलरिंग शुरू करते हैं।
ऊपर वॉर्निश कर दिया है। वॉर्निश करने के बाद देखिए इसके ऊपर कितनी सुंदर सी शाइनिंग आई है। ये ऑप्शनल है कि आपको इसके ऊपर वॉर्निश करनी है नहीं करनी है। इसके ऊपर यहाँ आपको हैंगिंग लगाना है जिससे आपका ये वॉल पर अच्छे से हैंग हो सके। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे और वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगे कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।